हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल सिल्वी कुक्स एंड व्लॉग्स। और आज मैं लेके आई एक और बहुत ही प्यारा सा और आसान सा रेसिपी लेके, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। पसंद करें आज का वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज का रेसिपी। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि नमक और तेल के साथ हमने नूडल्स को बॉईल करना है। वैसे तो 6 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन आप पैकेट पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने ड्राई रेड चिलीज को कुछ देर के लिए गर्म पानी के अंदर भिगो के रखा था। थोड़ा देर भीगने के बाद हम इसे गार्लिक, शुगर और नमक के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था। फिर हमने नूडल्स को चेक करना है, हो चुकी हैं तो हम इसे स्ट्रेन करके थोड़ा सा तेल लगा के एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाय द टाइम मैं ये कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पसंद करें आज का वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। देखिए, इसे फैला के हम पंखे के नीचे रख देंगे। अब हमने एक ऑयल के अंदर डाला कैरेट और प्याज, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटर करना है। फिर हम मैंने डाले कैप्सिकम और अपने बेल पेपर्स, साथ ही में बॉयल्ड मैंने कॉर्न्स भी डाले हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमने सॉसेस डालने हैं, जो कि मैं डाल रही हूँ विनेगर, सोया सॉस, साथ में ही चिली पेस्ट जो हमने तैयार किया था, और टोमेटो केचप। सॉल्ट एंड पेपर भी डालेंगे। सॉल्ट उस हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमारे सॉसेस में भी नमक है और नूडल्स भी सीजन्ड है। फिर हम नूडल्स को डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। याद रखिए, ये सारी कुकिंग बेसिक पे हो रही है। इसे फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। होप्स ऑफ फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद किया है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल करेंगे तो मेरे आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफाइड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।